ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को वट सावित्री पूर्णिमा का व्रत किया जाता है तथा इस दिन वट वृक्ष की पूजा अर्चना करके अपने पति की लंबी आयु की कामना की जाती है। जैसा कि इस व्रत और नाम तथा कथा से ही ज्ञात होता है कि यह पर्व प्रत्येक परिस्थिति में अपने जीवन साथी का साथ देने का संदेश देता है। इसे ज्ञात होता है कि पतिव्रता स्त्री में इतनी शक्ति होती है कि वह यमराज से भी अपने पति के प्राण वापस ला सकती है। वहीं सास ससुर की सेवा और पत्नी धर्म की सीख भी इसी महापर्व से प्राप्त होती है। इस दिन सौभाग्यवती स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु, उत्तम स्वास्थ्य और उन्नति तथा प्रगति एवं संतान प्राप्ति के लिए वट सावित्री पूर्णिमा का व्रत रखती है। भारतीय पंचांग के अनुसार वट सावित्री पूर्णिमा की पूजा और व्रत इस बार 21 जून 2024 शुक्रवार के दिन ही रखा जाएगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस वर्ष 21 जून 2024 शुक्रवार के दिन ही ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि रहेगी, क्योंकि पूर्णिमा तिथि का आरंभ 21 जून 2024 दिन शुक्रवार को सुबह 7:32 से हो रहा है, जो कि 22 जून 2024 शनिवार को सुबह 6:37 तक पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जाएगी। अतः चंद्रोदय व्यापिनी रात्रि व्यापिनी पूर्णिमा तिथि जो रहेगी वो 21 जून 2024 शुक्रवार के दिन ही रहेगी। इसी दिन वट सावित्री पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा और वट सावित्री पूर्णिमा का पूजन अर्चन करना अति उत्तम रहेगा। यदि आप प्रत्येक माह की पूर्णिमा का व्रत रखते हैं या सत्यव्रत पूर्णिमा का व्रत रखते हैं तो आपको ये सभी पूर्णिमा संबंधी कार्य 21 जून 2024 शुक्रवार के दिन ही करना चाहिए। वट सावित्री पूर्णिमा का जो पूजन है वो प्रातः काल की वेला में किया जाता है, इसलिए प्रातः काल के समय आप सारी पूजन की तैयारियां कर ले और किसी वट वृक्ष के समीप जाकर के वट वृक्ष का पूजन अर्चन करना चाहिए। इस विधान में, इस व्रत में जो पूजा की सामग्री लगती है उसमें सावित्री और सत्यवान की मूर्ति लगती है या चित्र लगता है, कच्चा सूत इसमें लगता है, बांस का पंखा, लाल रंग का जो कलावा होता है जिसे मोली रक्षा सूत्र या नाड़ा भी कहा जाता है, तथा बरगद का फल, धूप दीप नैवेद्य, मिट्टी का दीपक, घी, और इसमें फल विशेष रूप से आम के फल, लीची और अन्य फल का उपयोग किया जाता है। सत्यवान सावित्री की मूर्ति प्रायः बाजार में भी मिल जाती है और यदि नहीं मिले तो सत्यवान सावित्री के चित्र भी आप यहां पर लगा सकते हैं। वैसे तो सत्यवान सावित्री की कपड़े की मूर्ति भी बनाई जाती है, बांस का पंखा, लाल धागा, धूप, मिट्टी का दीपक, घी, फल, फूल और सभी प्रकार की पूजन सामग्री एकत्रित कर ले, और कपड़ा लगभग 1.25 मीटर लगेगा, सिंदूर, रोली, अक्षत, अबीर, गुलाल, पुष्प, इत्र, सुपारी, पान, नारियल और दूर्वा तथा अन्य पूजन सामग्री, सौभाग्य की सामग्री, कुछ दक्षिणा, नारियल पुड़िया और भिगोए हुए चने या चने की दाल, स्टील या कांसे के बर्तन, थाली, मिठाई, घर में बना हुआ कुछ भी मिठाई या पकवान, जल से भरा हुआ कलश आदि वस्तु का उपयोग किया जाता है। और वट वृक्ष के समीप जाकर के सबसे पहले वहां की सफाई करें और वट वृक्ष के सामने बैठ करके सत्यवान सावित्री की मूर्ति की स्थापना करें। वट सावित्री व्रत में वट यानी बरगद के वृक्ष के साथ साथ सत्यवान सावित्री और यमराज की भी पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं का वास होता है। अतः वट वृक्ष के यानी बड़ के पेड़ के या वट वृक्ष के समीप बैठ करके पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। वट सावित्री व्रत के दिन सुहागिन स्त्रियों को प्रातः काल उठ करके स्नान करना चाहिए। इसके बाद रेत से भरी एक बांस की टोकरी ले, उसमें ब्रह्मदेव की मूर्ति के साथ साथ सावित्री की मूर्ति भी स्थापित करें। इसी प्रकार दूसरी टोकरी में सत्यवान और सावित्री की मूर्तियां स्थापित करें। दोनों टोकरियों को वट के वृक्ष के यानी बड़ के पेड़ के नीचे रखें और ब्रह्मदेव और सावित्री की मूर्तियों की पूजा करें।
उसके बाद सत्यवान और सावित्री की मूर्तियों की पूजा करें और वट वृक्ष को जल सिंचन करें, जल अर्पण करें। वट वृक्ष की पूजा है तो जल, फूल, रोली यानी रक्षा सूत्र जिसे कलावा या नाड़ा भी कहा जाता है, और इसके बाद कच्चा सूत, भींगा हुआ चना, गुड़ इत्यादि वहां पर चढ़ाएं और दूध या जल से अभिषेक करें। उसके बाद सावित्री को अर्घ प्रदान करना चाहिए। अर्घ प्रदान करते समय इस मंत्र का श्रवण करना चाहिए या इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। अवैधव्यम च सौभाग्यम देहि त्वं मम सुव्रते पुत्रान् पौत्रांश्च सौख्यम च गृहाणार्घ्यम नमोस्तुते। इसके बाद ये जो श्लोक हम आपको बोल करके सुना रहे हैं, इनके माध्यम से वट वृक्ष का पूजन अर्चन करें। आप भगवान नारायण के जो स्वरूप है उनका ध्यान करते हुए वट वृक्ष का पूजन करें। ओम विष्णुवे नमः, इस महामंत्र से वट वृक्ष का पूजन अर्चन करना चाहिए। पूजा में जल, मोली, रोली, कच्चा सूत, भिंगोया हुआ चना, फूल, धूप, दीप इत्यादि का उपयोग करें। जल से वट वृक्ष को सींच करके उसके तने के चारों ओर कच्चा धागा लपेट करके 3 बार अथवा यथाशक्ति 5 बार, 11 बार, 21 बार, 51 बार या 108 बार बड़ के पेड़ की परिक्रमा करें। बड़ के पत्तों के गहने पहन करके वट सावित्री व्रत कथा का श्रवण करें। फिर बांस के पंखे से सत्यवान और सावित्री को हवा करें। बरगद के पत्तों को अपने बालों में लगाएं। भींगे हुए चनों का बायना निकाल करके कुछ रुपए दक्षिणा रख करके सासू जी के चरण स्पर्श करके उनको प्रदान करें। यदि सास वहां पर उपस्थित नहीं हो तो बायना निकाल करके उन तक पहुंचाए या किसी ब्राह्मणी को दान करें। वट तथा सावित्री की पूजा के पश्चात प्रतिदिन पान, सिंदूर तथा कुमकुम से सौभाग्यवती स्त्री के पूजन का भी विधान है। यही सौभाग्य पिटारी के नाम से जानी जाती है। सौभाग्यवती स्त्रियों का भी पूजन होता है। कुछ महिलाएं इस व्रत को अमावस्या को करती है, वहीं कुछ महिलाएं पूर्णिमा को करती है। सभी अपने अपने क्षेत्र के अनुसार पूजन का, व्रत का विधान इसमें अपनाते हैं और अपने सामर्थ्य के अनुसार पूजा समाप्ति के बाद ब्राह्मण देवता को वस्त्रदान, अन्नदान, दक्षिणादान, फल आदि दान दिए जाते हैं और सभी वस्तुएं बांस के पात्र में रख करके दान की जाती है। घर में आकर पूजा वाले पंखे से अपने पति को हवा करें तथा उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। यदि आप व्रत धारण करते हैं तो इस संकल्प के माध्यम से आपको व्रत धारण करना चाहिए। मम वैधव व्याधि सकल दोष परिहारार्थम ब्रह्म सावित्री प्रीत्यर्थम सत्यवात सावित्री प्रीत्यर्थंच वट सावित्री व्रत महम करिष्ये। इस प्रकार इस व्रत का संकल्प, इस संकल्प के माध्यम से धारण किया जाता है। दिन में एक समय आप भोजन कर सकते हैं और एक समय फलाहार कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो शाम के समय भोजन करें, लेकिन भोजन में मीठी वस्तु का उपयोग अवश्य करना चाहिए। कुछ लोग इस दिन गुड़ के मीठे भजिए, जिन्हें गुलगुले भी कहा जाता है, वो बना करके उसको भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। कुछ भक्तजन माताएं बहने बड़ के पत्ते के जो फल होते हैं उनका भी उपयोग करते हैं। अपनी अपनी श्रद्धा, परंपरा या आस्था के अनुसार इस व्रत को किया जाता है। वट सावित्री व्रत की जो कथा है वो हम आपको सुनाने जा रहे हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, यमराज भगवान की जय। एक समय की बात है, मद्र देश में अश्वपति नाम के एक धर्मात्मा राजा थे। उनके यहां कोई भी संतान नहीं थी। राजा ने संतान हेतु यज्ञ करवाया। कुछ समय बाद उन्हें एक कन्या की प्राप्ति हुई जिसका नाम उन्होंने सावित्री रखा। विवाह योग्य होने पर सावित्री के लिए द्युमत सेन के पुत्र सत्यवान को पति रूप में वरण किया। सत्यवान वैसे तो राजा का पुत्र था, लेकिन उनका राजपाट सब कुछ छीन गया था और अब बहुत दरिद्रता का जीवन जी रहे थे। उसके माता पिता की आंख की रोशनी भी चली गई थी। सत्यवान जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और उन्हें बेच करके जैसे तैसे अपने परिवार का
और अपना गुजारा कर रहा था। जब सावित्री और सत्यवान के विवाह की बात चली तो नारद ऋषि ने सावित्री के पिता राजा अश्वति को बताया कि सत्यवान अल्पायु है और विवाह के एक वर्ष बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। हालांकि राजा अश्वपति सत्यवान की गरीबी को देख करके पहले ही चिंतित थे और सावित्री को समझाने की कोशिश करने लगे। नारद जी की बात उन्हें और भी चिंता में डालने लगी, लेकिन सावित्री ने एक नहीं सुनी और अपने निर्णय पर वह अडिग रही। अंततः सावित्री और सत्यवान का विवाह संपन्न हो गया। सावित्री सास ससुर और पति की सेवा में लगी रही। नारद मुनि ने सत्यवान की मृत्यु का जो दिन बताया था उसी दिन सावित्री भी सत्यवान के साथ जंगल में चली गई। वन में सत्यवान लकड़ी काटने के लिए जैसे ही पेड़ पर चढ़ने लगा, उसके मस्तक में सिर में असहनी पीड़ा होने लगी, कष्ट होने लगा, दर्द होने लगा और वह सावित्री की गोद में सिर रख करके लेट गया। कुछ देर बाद उनके समक्ष अनेक दूतों के साथ स्वयं यमराज वहां पर उपस्थित हो गए। जब यमराज सत्यवान की जीवात्मा को लेकर के दक्षिण दिशा की ओर चलने लगे तो पतिव्रता सावित्री भी उनके पीछे चलने लगी और आगे जाकर के यमराज ने सावित्री से कहा कि हे पतिव्रता नारी, जहां तक मनुष्य साथ दे सकता था तुमने साथ दिया, पति का साथ दिया, अब तुम लौट जाओ। इस पर सावित्री ने कहा कि जहां तक मेरे पति जाएंगे वहां तक मुझे जाना चाहिए, यही सनातन सत्य है। यमराज सावित्री की वाणी को सुनकर के प्रसन्न हुए और उसे वर मांगने को कहा। सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर अंधे हैं, उन्हें नेत्र ज्योति दे दीजिए। यमराज ने तथास्तु कह करके उसे लौट जाने को कहा और आगे बढ़ने लगा, किंतु सावित्री यमराज के पीछे चलती रही। यमराज ने प्रसन्न होकर के पुनः सावित्री से वर मांगने को कहा। सावित्री ने वर मांग करके कहा कि मेरे ससुर का खोया हुआ राज्य उन्हें वापस मिल जाए। यमराज ने तथास्तु कह करके पुनः सावित्री को लौट जाने को कहा, परंतु सावित्री उनके पीछे पीछे चलती रही, अपने बात पर अटल रही, वापस नहीं लौटी। सावित्री की पति भक्ति को देख करके यमराज पिघल गए और उन्होंने सावित्री से एक और वरदान मांगने को कहा। तब सावित्री ने वरदान मांगा कि मैं सत्यवान के 100 पुत्रों की मां बनना चाहती हूं, कृपा करके आप मुझे यह वरदान दे दीजिए। सावित्री की पति भक्ति से प्रसन्न होकर के इस अंतिम वरदान को देते हुए यमराज ने सत्यवान की जीवात्मा को पाश से मुक्त कर दिया और अदृश्य हो गए। सावित्री जब उसी वट वृक्ष के पास आई तो उसने पाया कि वट वृक्ष के नीचे पड़े हुए सत्यवान के मृत शरीर में जीव का संचार हो रहा है। कुछ देर में सत्यवान उठ करके बैठ गया। उधर सत्यवान के माता पिता की आंखें भी ठीक हो गई, उनकी आंख की रोशनी आ गई और उनका खोया हुआ राजपाट सब कुछ उन्हें प्राप्त हो गया। अब सत्यवान के साथ सावित्री कुशल पूर्वक अपना जीवन यापन करने लगी, सुखी रहने लगे, पूरे परिवार में आनंद ही आनंद छा गया। इस प्रकार जो कोई भी माताएं बहनें भक्तजन ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि का व्रत करते हैं, इस दिन वट वृक्ष का पूजन अर्चन करते हैं, उनके घर परिवार में सुख शांति समृद्धि का वास होता है तथा उनके जीवन की सारी इच्छाएं सभी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण हो जाती है, उन्हें धर्म अर्थ काम और अंत समय में मोक्ष पद की प्राप्ति होती है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम रामा कृष्णा वासुदेवा
भक्ति मुक्ति दायकम्। रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्ति दायकम्। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हर नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हर नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, यमराज भगवान की जय, धर्मराज भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। हर भक्तजनों, माताओं बहनों, आप यदि वट सावित्री पूर्णिमा के निमित्त कथा की दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं, अन्नदान देना चाहते हैं, फलदान देना चाहते हैं, वस्त्रदान देना चाहते हैं, गौदान करना चाहते हैं, या सत्यनारायण भगवान की पूजा अर्चना पूर्णिमा के दिन हमारे माध्यम से संपन्न करवाना चाहते हैं, या कोई भी पूजा अनुष्ठान पूर्णिमा के दिन हमारे माध्यम से संपन्न करवाना चाहते हैं, तो इस हेतु नगद धनराशि हमारे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर, अकाउंट नंबर के माध्यम से भेज करके वट सावित्री पूर्णिमा का संपूर्ण पुण्य लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।